तो गाइस एक चाइनीज मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम है मुलान लीजेंड, जिसकी लेंथ 1 घंटा 33 मिनट की है। तो चलिए जानते हैं कि फिल्म कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइस कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो गाइस इसमें एक राजकुमारी को दिखाया गया है जिसको किडनैप कर लिया जाता है, एंड एक सेनापति को दिखाया गया है जिसका नाम मुलान रहता है, मतलब हमारी हीरोइन को दिखाया गया है, जिसे काम दिया जाता है कि उसे राजकुमारी को सही सलामत वापस लेकर आना है। तो वह निकल पड़ती है कुछ साथियों को लेकर, मतलब अपने सेना के कुछ टुकड़ियों को लेकर राजकुमारी को वापस लाने के लिए निकल जाती है। तो वह राजकुमारी को सही सलामत वापस ला पाती है या नहीं ला पाती है, उन बीच उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या वह जिंदा बच भी पाती है नहीं बच पाती है, इन सब सवालों का जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिल जाएगा। तो गाइस कहानी की बात को देखिए, वो एक टिपिकल सी पुरानी स्टोरी है, आपने हजारों फिल्मों में इस तरह का कहानी को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। तो उसकी कहानी आपको कुछ भी नया माल प्रेजेंट नहीं करती है, और जिस तरह से इसे एग्जीक्यूट भी किया गया है वह भी आपको थोड़ा थोड़ा एवरेज वाली फीलिंग देगी। यदि आपने बहुत वॉर टाइप का मूवी देखा होगा तो इसका एक्शन सीन है वह भी आपको एवरेज वाला फीलिंग देगा। इसका एक्शन सीन को इतना अच्छा से कोरियोग्राफ नहीं किया गया है, और कहीं कहीं वह लॉजिक खत्म कर दिया जाता है, मतलब कहीं कहीं एक्शन सीन को देखकर इलॉजिकल फील होता है, एंड एक्शन सीन को इतना अच्छा से कोरियोग्राफ नहीं किया गया है जिसे देखकर मजा आए। मजा आता है पर उतना नहीं आता है। एक्टिंग की बात करें तो गाइस सभी ने सरफेस लेवल पे एक्टिंग की है, आप किसी से भी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो एक्टिंग ठीक ठाक की है पर आप इमोशनली जो कनेक्शन होता है वह नहीं फील कर पाते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो देखिए इसका सिनेमेटोग्राफी और BGM आपको अच्छा देखने को मिलता है, पर जहां जहां VFX एंड CGI का उपयोग किया गया है वहां पर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील होगा, थोड़ा सा आपको सस्ता फील होगा वहां देखकर। तो उसका प्रोडक्शन क्वालिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, मैं बहुत अच्छा ग्रेट नहीं कहूंगा, बस ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा। और गाइस कहीं कहीं फिल्म थोड़ा खींची खींची फील होती है, और कहीं कहीं आपको बोरियत फील होती है। कॉमेडी वोमेडी दिया गया है पर वह ज्यादा काम नहीं कर पाता है और आपको हंसी नहीं दिला पाता है। हिंदी डबिंग की बात करें, उसकी हिंदी डबिंग ठीक ठाक की गई है तो आपको इतना डिसअपॉइंट नहीं होगा, मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा पर काम चल जाता है, ठीक ठाक इसकी हिंदी डबिंग की गई है। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि एक एवरेज टाइप का फिल्म है। यदि आपके पास कुछ भी अच्छा देखने को नहीं है एंड आपको चाइनीज मूवी देखना बहुत ही पसंद है तो जी हाँ, कम एक्सपेक्टेशन के साथ इस फिल्म को देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत मजा देगी, पर ये एक एवरेज फिल्म है, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। यदि आपके पास कुछ भी अच्छा नहीं है तो ही इस फिल्म को देखिएगा, वरना इसे इजीली स्किप कर दीजिएगा। और हाँ, फिल्म बहुत ही साफ सुथरा है तो फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप इस तरह की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में हमेशा देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।